आज हम कक्षा 8 का विज्ञान विषय का पेपर हल करेंगे। मैक्सिमम मार्क्स 20 हैं, समय 60 मिनट है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक एंटीबायोटिक है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। प्रश्न नंबर 2, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही ऑप्शन सी, किण्वन। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में सिंचाई का साधन कौन सा है? सही ऑप्शन डी, समुद्र। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशक है? सही ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चेचक के टीके की खोज किसने की? ऑप्शन डी, एडवर्ड जेनर। जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम। डैश गैस दहन में सहायक है ऑक्सीजन। विटामिन कार्बन का शुद्धतम रूप है, ट्रू। उर्वरक और खाद में अंतर। उर्वरक रसायनों से फैक्ट्री में बनते हैं, इनमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। खाद यानी मैन्योर, इनमें ये रसायन कार्बनिक पदार्थों से बनते हैं, इनमें पोषक तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं। यूज ऑफ कॉक, इस्पात के औद्योगिक निर्माण में, धातुओं के निष्कर्षण में, स्टील के निर्माण में। सूक्ष्म जीवों के उपयोग, नंबर 1 दही जमाने में, नंबर 2 शराब बनाने में, नंबर 3 दवाइयाँ बनाने में, नंबर 4 चाय को पीने योग्य बनाने में, चमड़े को उपयोगी बनाने में, जलेबी बनाने में, ब्रेड व केक बनाने में, प्रतिजैविक बनाने में, इडली डोसा पनीर बनाने में, अचार बनाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र सहित वर्णन करें। तो जो मोमबत्ती की ज्वाला को हम 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला बाह्य क्षेत्र, यह ज्वाला ये है सबसे बाहर का। यह ज्वाला सबसे गर्म भाग होता है, इसमें पूर्ण दहन होता है, इसलिए इसका रंग नीला होता है। सेकंड है मध्य क्षेत्र, यह ज्वाला का कम गर्म भाग होता है, आंशिक दहन होता है इसके अंदर, इसका रंग पीला होता है। आंतरिक क्षेत्र होता है, यह ज्वाला का सबसे कम गर्म भाग है, इसमें अपूर्ण दहन होता है और इसका रंग काला होता है। इस प्रकार हम मोमबत्ती की ज्वाला का डायग्राम बना सकते हैं और उसका वर्णन कर सकते हैं। और भी इसी तरह के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।